राज्यसभा सांसद धीरज साहू के से जुड़े कंपनियों पर आईटी की रेड को लेकर केंद्रीय पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय का भी अब बयान आ चुका है। हम आपको बता दें कि सुबोध कांत सहाय ने कहा है कि इसका जस्टिफिकेशन उनके परिवार को ही देना पड़ेगा। हालांकि सुबोध कांत सहाय ने कहा कि शराब का कारोबार साहू फैमिली का पुश्तैनी कारोबार है। सुबोध कांत सहाय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बेवजह भाजपा इसे मुद्दा बनाने में जुटी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। रकम उनके यहां से बरामद हुआ ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम लोग जानते हैं, सुनते रहे हैं कि भट्टी वालों के यहाँ जो देहाती इन लोग के यहाँ बोड़ा में पैसा जमा होता है, लेकिन अब उनके घर में अगर इतना पैसा बरामद हुआ है तो उसका जस्टिफिकेशन तो उस परिवार को ही देना होगा, क्योंकि पूरा परिवार जो है ये लिकर के काम में है। पाँच दशक से तो ज़्यादा हम जानते हैं कि है। अब उसको जस्टिफाई उनको करना पड़ेगा। उन सवाल जो है कि हम सब लोगों के लिए आश्चर्यजनक कि घर में इतना पैसा तो है। भाई कैश डीलिंग होता है उनके यहाँ, ये कहा जा रहा है कि कैश डीलिंग होता है, और ऑब्वियस है कोई चेक से तो पैसा जाके दारू खरीदता नहीं है। ये सारी परिस्थिति है, बट जस्टिफिकेशन जो घटना घटी है वो आम नज़र में एक बड़ी घटना है, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन उस परिवार को देना पड़ेगा और देंगे ही ये लोग।